हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं ये छोले, चने, सॉरी, चने बनाने जा रहे हैं। और ये कुकर में नहीं बनाएंगे, और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल टेस्टी टेस्टी चने बनेंगे। तो इसको हमने धो लिया। ये एक कटोरी चने थे, ये फूल के इतने हो गए हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से 2-3 बार धो लिया, शाम को भिगो के रख दिया था। एंड हमें ग्राइंड करने के लिए ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा ऑनियन लिया है, 6 ग्रीन चिली ली हैं, और ये 1 अदरक का टुकड़ा, और ये 7-8 लहसुन की कलियां ली हैं। इसे हमें ग्राइंड करना है, इसके बाद प्रोसीजर शुरू करते हैं। गाइज, हमने ये ले लिया है एक बाउल, इसमें हमने 1.5 स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून इसमें हमने जीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला अभी ऐड कर दिया है, क्योंकि जो गरम मसाले की वो खुशबू आती है ना, वो थोड़ा सा बाद में मेरे बच्चों को कम पसंद आती है, इसलिए मैं इसके साथ में ही डाल देती हूँ, मुझे टेस्ट चाहिए, ठीक है? तो इसको हम साइड रखते हैं। और ये हमने जो हमारा ऑनियन था, ग्रीन चिल्ली थी, अदरक और लहसुन सब एक साथ मिक्स करके पीस लिया है, ठीक है? और इसको साइड करते हैं। और ये हमने ये टमाटर भी पीस लिया है, और अब करते हैं अगला प्रोसीजर शुरू। ये हमने राइस कुकर ले लिया है, इसको ऑन कर देते हैं, और इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून ऑयल। आप घी लेना पसंद करते हैं, या जो भी ऑयल, सरसों का ऑयल, रिफाइंड, जो भी आप खाते हैं आप वो ले लेना, ठीक है? अभी हम इसमें डालते हैं जीरा। देखो गाइस, ये अपने आप ही बंद हो गया है, तब जीरा भून गया है, ये देखो, ये इसकी लाइटिंग। अभी हम इसमें डालेंगे ये जो हमने ऑनियन का पेस्ट बना रखा है, ये, ठीक है? अभी ये गरम है तो ये ऑनियन नहीं होगा, 1 मिनट में ये ऑन कर देंगे इसको हम। मैंने बोला था ना, आज हम कुकर में नहीं बनाएंगे चने, आज हम राइस कुकर में ही पूरा प्रोसीजर करेंगे। लोगों को लगता है कि राइस कुकर में सिर्फ राइस बनते हैं, नहीं भाई, इसमें सब कुछ बनता है। मैं इसमें हलवे से लेके कम्प्लीटली बनाती हूँ, और मेरा बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखो, अभी ये बंद नहीं होगा, क्योंकि ये देखो, अभी ये चालू हो चुका है, ठीक है? अभी ये इसको थोड़ा 2 मिनट में ये हो जाएंगे, इसकी हम लीड लगा देते हैं और फिर आगे प्रोसीजर करते हैं। देखो भाई, ये ना हो गए हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा और ज़्यादा डाउन कर सकते हो, लेकिन ये हो गए हैं जितना हमें चाहिए है, नहीं तो फिर इसका पूरा ज़्यादा जला देंगे, क्योंकि इसका पूरा ही टेस्ट मेल्ट हो जाएगा। ये अभी हमने जो टमाटर पीस के रखे थे ये वो डाल दिए हैं इसमें, ठीक है? और गाइज, मैं बीच बीच में बता दे रही हूँ, मेरा चैनल को कैन बेक विद मंजू को प्लीज़, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना यार। ये देखो, इसको अभी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रहने देंगे, फिर इसमें मसाला ऐड करते हैं, लीड लगा देंगे। ये मतलब इसमें आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, इसको रखा एंड दूसरा काम कर लो, या फिर इसको पहले तड़का देने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दो और फिर चॉपिंग कर लो आप। देखो भाई जी, हमारे टमाटर भी अब अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने मसाला एक कटोरी में लिया था बाउल में, ये देखो, इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था, और ये अच्छे से अभी हो गया है, ये इसमें पूरा डाल देंगे। और अच्छे से मिलाएंगे सारे मसाले को, ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अभी मसाले को भूनने देते हैं इसमें, ये बिल्कुल जैसे अपने चूल्हे पे जो टेस्टी बनता है ना, ये चूल्हे जैसा ही काम करता है, ये अभी बनता रहेगा। थोड़ी से देर में हम इसमें चने डालेंगे,
अभी लीड लगा देते हैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं छोले। ये कैमरे के सामने भाप आ गई है इसलिए ऐसे हुआ है। गाइस मैं तेज पत्ता डालना भूल गई हूँ, आप डाल लेना, मेरे साथ अक्सर ऐसे हो जाता है, लेकिन मेरे टेस्ट में फिर भी कोई कमी नहीं आएगी, फिर भी बहुत अच्छे बनेंगे। अभी पानी अपने अकॉर्डिंग डाल देना और इसको लीड लगा के रख देना। ये स्लोली स्लोली बनते रहेंगे, बनने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइज, हमारी चने की सब्जी तैयार हो गई है, कितनी मस्त लग रही है ना। और मैं अभी टेस्ट करती हूँ क्योंकि इतनी मस्त सब्जी देख के कहाँ रुका जाएगा। वाओ, यम्मी। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।